హలో స్టూడెంట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే చాప్టర్ 1 విద్యుత్ క్షేత్రం విద్యుత్ ఆవేశ్ ఓకే ఆర్ ఆజ్ కే ఇస్ లెక్చర్ మే హమ్ పడనే వాలే హై విద్యుత్ ద్విధ్రువ ఏవం విద్యుత్ ద్విధ్రువ గుణ హై నా తో చలియే బిట్టో అబ్ హమ్ సమజ్తే హై విద్యుత్ ద్విధ్రువ కిసే కహతే హై ఆర్ విద్యుత్ ద్విధ్రువ గుణ కా మత్లబ్ క్యా రహేగా యా ఉస్కా సూత్ర హై నా చలియే తో యహాన్ పర్ దేఖే బిట్టో कि अगर कोई सिस्टम हो जो या ऐसे मान ले बेटो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कण हैं मतलब इन पर आवेश बराबर है और उन पर विपरीत आवेश है ठीक है विजातीय आवेश ठीक बराबर और विजातीय आवेश है तो ये दोनों अगर एक अल्प दूरी पर स्थित रहे ठीक है तो इस पूरे निकाय को हम क्या कह देंगे विद्युत द्विध्रुव कह देंगे मतलब सिंपल सा है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विजातीय आवेश बराबर और विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को हम क्या कह देते हैं विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं ओके और विद्युत द्विध्रुव को हम ग्राफी रूप से इस तरह से दर्शाते हैं है ना तो विजातीय आवेश Q माइनस Q और प्लस Q और उनके बीच की दूरी को हम 2L से दर्ज है ना जरूर आप कई बुक्स में देखना तो कहीं पर आपको ये 2L लिखा हुआ मिलेगा या 2X लिखा मिलेगा है ना तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 2A है 2L क्यों है 2X क्यों है वो डिस्टेंस है उसे हम कोई भी सिंबल से दे सकते हैं ना 2A से शो कर सकते हैं 2L से तो 2A के बदले आपको कहीं पर 2L भी लिखा मिल सकता है ना कंफ्यूज नहीं होना ठीक है अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए जो कि हम जब भी किसी डायपोल को विद्युत द्विध्रुव को ग्राफी रूप से दर्शाते हैं मतलब अगर हम इससे है ना चित्र में दर्शाना चाह रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे तो अगर हम इसे विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो हम हमेशा इसे किस स्थिति में रखा हुआ दिखाएंगे चलो जैसे मतलब ऋण आवेश किधर दर्शाएंगे धन आवेश किधर दर्शाएंगे वो तो ऐसे याद रख लेंगे जैसे हमारा ये है ना एक्स अक्ष है तो इधर प्लस एक्स बीच में जीरो और इधर माइनस वाई है ना तो इसी तरह जो अगर हम आवेश को विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखे हुए दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टली है ना तो इधर हम ऋण आवेश यहाँ बनाया करेंगे और इधर धन आवेश यहाँ बनाया करेंगे ठीक है ना चलिए ठीक है ओके तो ये था जो उसको कैसे दर्शाएंगे हम ग्राफ में अब द्विध्रुव जो कहाँ हमको देखने को मिलते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल तो परमाणु द्विध्रुव मतलब परमाणु जो है वो भी द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा कैसे उसको समझते हैं और अणु भी बच्चों है ना कैसे यहाँ पर समझना है ना तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि परमाणु में धनावेश और मतलब प्रोटॉन जो है सारे केंद्र पर होते हैं नाभिक में धनावेश केंद्र पर होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं है ना ये हमें परमाणु के बारे में मालूम है परमाणु का स्ट्रक्चर हमें पता है ठीक है अब इधर देखिए तो कि इससे पहले इसको समझने के लिए हम द्रव्यमान केंद्र वाली बात करें ठीक है द्रव्यमान केंद्र वाली मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र की कॉन्सेप्ट अब यहाँ समझो कि जैसे हमारे पास एक स्फीयर है एक गोला है ना या एक धातु की रिंग है और यह किसी भी वस्तु की रिंग है ऐसे तो अगर मैं पूछता हूँ तो यहाँ पर कि इसका है ना मतलब द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा मतलब वह बिंदु कहाँ होगा जिस बिंदु पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो तो हम कह देंगे बेटो कि जो हमारा गोला है ना ये जो हमारी रिंग है द्रव्यमान कहाँ पर ही है उसके पृष्ठ पर है परिधि पर है ना तो हम क्या कह देंगे उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसके ज्यामिति केंद्र पर होगा है ना द्रव्यमान कहाँ पर ही होगा ज्यामितीय केंद्र पर यहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा ओके समझ में आया मतलब एक स्फेरिकल वस्तु हो है ना गोलाकार वस्तु हो ठीक है यह द्रव्यमान गोले के पृष्ठ पर या है ना रिंग पर फैला हुआ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होगा ओके अब यहाँ पर आए जो है ना हम परमाणु की बात करें परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं अलग अलग कक्षाएं हो सकती है ये हो सकती है ऐसे बहुत सारी कक्षाएं हो सकती है ना तो हमने कहा जो कि उसका जो धन आवेश है वो कहाँ है उसका केंद्र कहाँ है धन आवेश का धन आवेश किस पॉइंट पर सेंटर है
तो धनावेश तो यहीं पर सेंटर होगा, क्योंकि धनावेश का इधर उधर फैला हुआ नहीं है, धनावेश उसी स्थान पर रखा हुआ। जैसे ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक में तो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, है ना। इन सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर ही होगा, बीच में कहीं होगा, वही होगा, सेंटर पे होगा, पूरे प्रोटॉनों से भरा हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से। तो धनावेश का केंद्र नाभिक पर ही होगा, ठीक है। धनावेश का केंद्र को ही हम नाभिक बोलते हैं। तो ये धनावेश का केंद्र यहाँ हो गया। अब हम पूछते हैं कि जो ऋणावेश का केंद्र है वो कहाँ है ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये परिक्रमण कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्र लगा रहे। अभी हमें एक ही कक्षा दिखाते हैं, ज्यादा कक्षा दिखाएंगे आप कंफ्यूज होगे ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पास द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होगा, या इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है उसका केंद्र कहाँ होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र भी यही आएगा फिर, बिल्कुल इसी, मतलब जहां धन आवेशों का केंद्र है बिल्कुल उसी जगह इसका केंद्र भी आएगा, ऋणावेश का केंद्र, है ना। कुछ चित्र में मैंने ऊपर नीचे बना दिया वीडियो, लेकिन आप उसको समझोगे कैसे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये ऋणावेश का केंद्र है तो धनावेश का केंद्र बिल्कुल उसके ऊपर रहेगा, ऐसा, है ना। कुछ चित्र में मुझे ऐसा बनाना पड़ा। तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र बिल्कुल क्या होगा, संपाती होगी, है ना। यहाँ पर क्या कहलाएंगे, है ना, इसको मैं अगर शब्दों में लिख के आपको बताऊं तो आप क्या कहोगे, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र कैसा है, संपाती, ओके, संपाती है, ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश की बीच की दूरी, उनके बीच में कोई विस्थापन नहीं है, है ना, मतलब धनावेश और ऋणावेश के बीच में विस्थापन, धनावेश, ठीक है, ऋणावेश के बीच विस्थापन शून्य है, ठीक है, जीरो है, ओके। अब अगर हम इस धनावेश, इस परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख दें, मतलब ये धनावेश प्लेट है और ये है, है ना, इस परमाणु को हम यहां रख देते हैं ऐसे, तो क्या होगा यहां पर, जो इस परमाणु के अंदर, मान लो हम एक परमाणु को रख सकते हैं हम, है ना, परमाणु को मुक्त अवस्था में नहीं मिलता बच्चों, लेकिन हम मान लेते हैं हमने एक परमाणु को रखा है यहाँ पर, एक परमाणु को फोकस करें हम बस, तो ये परमाणु का जो केंद्र, धनावेश का केंद्र यहाँ था पहले बीच में, है ना, और इलेक्ट्रॉनों का केंद्र भी यही था बीच में, अब हमने उसको विद्युत क्षेत्र में रखा है, ओके। तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, और जो धनावेश है ना, ये धनावेश उस प्रोटॉनों के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो धनावेश का केंद्र यहाँ था, है ना, और ऋणावेश का केंद्र भी यहाँ बता देता हूँ, वो भी यही था, है ना। लेकिन जैसे ही जो हम उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र विस्थापित हो जाएंगे, धनावेश पे बल लगेगा तो धनावेश क्या हो जाएगा, यहाँ समझ ले जो इसमें, है ना, जैसे ये पहली स्थिति उसकी। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि धनावेश का केंद्र थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, क्योंकि उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, है ना, तो धनावेश का केंद्र इधर खिसक गया, ऋणावेश का केंद्र ऋणावेशों पे आकर्षण लगेगा, है ना, तो ऋणावेशों पे आकर्षण लगेगा तो ऋणावेशों का केंद्र इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में क्या था कि दोनों के केंद्र बिल्कुल क्या कर रहे थे, संपाती थे, है ना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, अब उन पे बल लग गया तो धनावेश इधर चला गया, है ना, ऋणावेश इधर आ गया, उनके बीच में क्या उत्पन्न हो गया, एक विस्थापन उत्पन्न हो गया, एक दूरी बन गई, एक सेपरेशन आ गया, है ना। तो अब आप सिर्फ धनावेश और ऋणावेश पर फोकस करो यहाँ पर, तो ये धनावेश और ये ऋणावेश, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, सेपरेशन, मतलब दोनों धनावेश ऋणावेश के बीच अल्प दूरी उत्पन्न हो गई, तो अल्प दूरी अगर उत्पन्न हो गई तो दोनों के आवेशों के मान तो समान है, जितना धनावेश इलेक्ट्रॉनों का होगा ऋणावेश, उतना ही धनावेश प्रोटॉनों का भी होगा, तो ऋणावेश धनावेश के मान बराबर, उनके बीच की दूरी है थोड़ी सी अल्प दूरी, तो फिर वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया, आया समझ में।
तो परमाणु को अगर हम कहां रख दें, विद्युत क्षेत्र में, तो परमाणु ही हमारा किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की तरह वो व्यवहार करता है। ओके, तो ये विद्युत द्विध्रुव ध्रुव को मतलब परमाणु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई परमाणु किसकी तरह व्यवहार करेगा, है ना, परमाणु द्विध्रुव की तरह। ओके, ये अब अणु की बात करें, है ना, आण्विक द्विध्रुव की, मतलब ये तो परमाणु की बात हुई, परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ही वो द्विध्रुव रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं परमाणु की। ओके, और किसकी, अणुओं की, आण्विक द्विध्रुव की। तो जैसे अणु बनते हैं, हम HCl के अणु की बात करें, है ना, तो HCl का अणु बनेगा तो कैसे बनेगा, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन की ऋणात्मकता, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, है ना, तो इसको अपनी ओर खींच लेगा जब ये बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर जो हमारा हाइड्रोजन है ये कैसा आ जाएगा, धनावेश की तरह बिहेव करेगा हाइड्रोजन परमाणु, और क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उसके अंदर आ जाएगा वो, तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्लोरीन ऋणावेश की तरह हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु ऋणावेशित हो गया, है ना, मतलब इसमें HCl में हाइड्रोजन धनावेश और क्लोरीन ऋणावेश में रहता है। ओके, अब जब HCl बना, HCl परमाणु बना, तो ये हाइड्रोजन परमाणु, है ना, हाइड्रोजन परमाणु और ये क्लोरीन परमाणु, ये ऐसे जुड़ गए, है ना, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन परमाणु एक दूसरे से इस तरह से जुड़ गए होंगे। तो अगर हम देखें भैया, तो हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज लेके रखा है अपने पास, क्लोरीन ने अपने पास कौन से चार्ज ले लिया है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर अब आप इसको देखो तो क्या दिख रहा है हमको, कि धनावेश और ऋणावेश की एक अल्प दूरी पर स्थित है, है ना, धनावेश और ऋणावेश एक अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये जो अणु है HCl का अणु, इसमें क्या इस व्यवस्था हो गई, क्या व्यवस्था हो गई, कि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश अल्प दूरी पर आ गए, और धनावेश और ऋणावेश जब अल्प दूरी पर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव बन जाता है, है ना। तो ये HCl परमाणु, HCl अणु जो है वो भी हमारा क्या ही रहेगा, वो द्विध्रुव का उदाहरण रहेगा। या इसी तरफ से हमने एक दो नाम और लिखे हैं H2O में, तो H2O में भी तो यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना, के दो परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु हमने बता दिए, ये हाइड्रोजन यहाँ धनात्मक रहेगा, है ना, H2O में, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ धनात्मक पे रहेगा, इधर और ये ऑक्सीजन ऋणात्मक, बैलेंस डिबैलेंस नहीं करके बता रहा, सिर्फ फोकस करना आवेश होगा। तो हाइड्रोजन धनावेश, ये हाइड्रोजन परमाणु, है ना, और ये ऑक्सीजन ऋणात्मक पर रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन उसकी नेगेटिविटी के कारण। तो अब आप यहाँ पर देखो, इस केस में देखो तो यहाँ पर भी क्या हुआ, धनावेश धनावेश का केंद्र क्या हुआ, इन दोनों का केंद्र निकाल दो पहले, मतलब ये धनावेश और ये धनावेश ऐसे, तो इनका केंद्र बीच में कहीं आएगा यहाँ, है ना, तो इनका केंद्र यहाँ आ गया, ये धनावेश और दोनों धनावेश का केंद्र यहाँ, तो ये धनावेश का केंद्र हो गया और ये ऋणावेश का केंद्र। तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र में क्या उत्पन्न हो गई, एक छोटी सी दूरी उत्पन्न हो गई, है ना, दूरी रहेगी इनके बीच में, तो ये भी हमारा क्या ही है, द्विध्रुव है। तो परमाणु भी और अणु भी द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, मतलब जो हमारे अणु है परमाणु है, ठीक है, वो हमारे किसकी तरह व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह, मतलब हर परमाणु द्विध्रुव नहीं रहेगा और हर अणु भी द्विध्रुव नहीं रहेगा, मतलब वो पोलर और डायपोलर इस तरह के आधार पर, तो हम आगे और डिटेल में देखेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर द्विध्रुव कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जो परमाणु है और जो अणु है वही हमारे क्या है, द्विध्रुव है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, जो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव से संबंधित एक विशेषता है जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण जो क्या है उसको अब हम समझते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमने पहले ये जो आघूर्ण शब्द है ये पढ़ा है ना,
हमने आघूर्ण के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन प्रभाव, ठीक है। आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन प्रभाव, ठीक है। तो इसी तरह जो मतलब घूमना, उसका घूमने वाली स्थिति, ओके। इसी तरह अगर हम किसी द्विध्रुव ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या उत्पन्न होगा? आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो है ना। चलिए अब एक बात ध्यान रखें बेटो, हमने आघूर्ण के प्रकार पढ़े थे, है ना। आघूर्ण के हमने प्रकार पढ़े थे, थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में, है ना, रिमाइंड कर रहे, रिकॉल कर रहे, ठीक है। आघूर्ण पढ़ा था हमने, ठीक है, 11th क्लास में जो पढ़ा है उसको मैं आपको याद दिला दूं। तो आघूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है? कारक गुणित घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। मतलब यहाँ देखना, तो डेफिनेशन लिखकर मैं खत्म कर दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा उसको अच्छे से फील होते हुए समझते हुए चले, ठीक है, कि वास्तव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका भौतिकी में क्या अर्थ है, है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम समझने जा रहे हैं। नहीं तो डेफिनेशन लिख के तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए जो कारक, ये हमने पढ़ा, आप बोले कारक, आप बोलोगे कारक क्या है, चलिए इसको समझते हैं, है ना, कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हमने मान लो एक छड़ ली है ना, इस छड़ को हमने किसी बिंदु पर अटका दिया, ये यहाँ अटकी हुई है, ओके। अब अगर हम इस छड़ के एक और द्रव्यमान बढ़ा देते हैं, या इन दोनों के द्रव्यमान, दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर नहीं है, है ना, द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो क्या होगा? ये छड़ घूम जाएगी ऐसे, है ना, ये इधर का द्रव्यमान इसको घुमा देगा, द्रव्यमान कम ज्यादा है तो द्रव्यमान के कारण घूमने लग जाएगी, द्रव्यमान इम्बैलेंस होने के कारण वो घूमने लग जाएगी। तो यहाँ जो घूर्णन हुआ है द्रव्यमान के कारण हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? द्रव्यमान आघूर्ण, मतलब ये आघूर्ण के अपने प्रकार पड़े हैं, द्रव्यमान आघूर्ण ये सब, तो ये द्रव्यमान आघूर्ण जो है ना। अब इसका मान कितना होगा द्रव्यमान आघूर्ण का, है ना। तो आप द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे, जैसे आप 1 kg रखो, 2 kg रखो, 3 kg रखो, तो द्रव्यमान आघूर्ण क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब द्रव्यमान आघूर्ण किस पे भी निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। दूसरा जो ये किस पर भी निर्भर करेगा? घूर्णन अक्ष से दूरी पर, है ना। जैसे मान लो आपने ये द्रव्यमान यहाँ रखा था, कहाँ पर? बिंदु ए पर। आप उसे बिंदु ए से उठा के बिंदु बी के पास रख दो, है ना, या ओ पे रख दो। ओ कहाँ पर है? द्रव्यमान केंद्र पर, जहां पर वो वस्तु ऐसे अटकी हुई है। तो क्या ये छड़ घूमेगी हमारी? नहीं घूमेगी, है ना, क्योंकि ये द्रव्यमान हमने यहाँ रख दिया ऐसे, यहाँ से हटा के, तो क्या होगा? नहीं घूमेगी। मतलब द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान जो हमारा है उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी बदलेगी, दूरी बदलेगी तो घूमने का प्रभाव भी बदलेगा। तो यहाँ पर अगला बिंदु क्या आ गया? जो घूर्णन अक्ष से दूरी, ओके, लंबवत दूरी। इसी तरह जो अगर हम द्रव्यमान ना बोलते हुए हम कहें कि हम उसमें बल लगा रहे हैं, द्रव्यमान के कारण बल लगेगा, बल उत्पन्न हो जाएगा ऐसे, तो अगला जो हमारा है बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण हो जाएगा। बल आघूर्ण का जो सूत्र क्या बनेगा? बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हुई है, ओके। फिर अगर हम यहाँ पर, है ना, हमने कोणीय क्या भी पढ़ा है, जो कोणीय संवेग हम बोलते हैं जिसे, या संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या होता है? रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से दूरी, है ना, तीनों में ये कॉमन रहेगा, घूर्णन अक्ष से दूरी। तो ये जो हमारे घूर्णन के प्रभाव जो हमने दौर में पढ़े, है ना, तो आप इस पे ध्यान दो आघूर्ण के सूत्र पर। अगर द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हुआ है तो यहाँ क्या हुआ? द्रव्यमान। बल के कारण उत्पन्न हुआ है तो यहाँ बल। संवेग के कारण उत्पन्न हुआ है तो यहाँ क्या हुआ? रेखीय संवेग। कॉमन, और इधर तो सब बराबर है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसका कॉमन सूत्र क्या हुआ है? आघूर्ण, कारक आघूर्ण गुणित
कारक, मतलब जिस कारक के कारण, जैसे द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हुआ तो हम यहाँ द्रव्यमान लिख देंगे, बल के कारण उत्पन्न हुआ तो यहाँ बल लिख देंगे, रेखीय के संवेग के कारण हुआ तो रेखीय संवेग। ये तो आगुण का सूत्र था, है ना, ये हमने पढ़ा है जीवन में, इसको हमने एक बार याद कर लिया है ना, याद, ठीक है, चलो रिकॉल कर लिया। अब यहाँ ठीक है, हम द्विध्रुव ध्रुवों को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या उत्पन्न होगा, ठीक है, उस पर गुणन उत्पन्न होगा। चलो कैसे, ठीक है, ऐसे यहां पर जो हमने बोल दिया कि ये इस तरह से दिखा, ये एक धन प्लेट है, धनावेश है इस पर, है ना, और ये हमारी ऋण प्लेट है, धन और ऋण, इसके बीच में अगर हम किसी द्विध्रुव को रख देते हैं, है ना, द्विध्रुव को मान लो ये माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, ओके, तो है ना, 2a से मतलब जैसे ये केंद्र है हमारे पास, ये वाला ये केंद्र है ना, तो इससे यहाँ तक की दूरी a और यहाँ तक की दूरी हो गई a हो गई, ठीक है। अब अगर ये विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इन पर बल लगेगा दोनों आवेशों पर, है ना, यहाँ आवेश है तो आवेश के कारण बल लगेगा, ये ऋण उसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना, ये धन उसको इस धन पर क्या लगेगा, इस पे ऋण, ऋण इसको आकर्षित करेगा, इस धन ऋण को प्रतिकर्षित, आयरन समझ में, ये धन आकर्षित, ये धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये हमारा जो हमारा क्या है द्विध्रुव है वो ऐसा घूमेगा, है ना, क्या उत्पन्न होगा उसमें, आगुण उत्पन्न हो जाएगा, ये ऐसे चित्र से समझो, ऐसा नहीं समझ में आ, ये ऋण, ठीक है, ये इस तरह से, है ना, तो अगर हम यहाँ द्विध्रुव को ऐसे धन यहाँ रखते हैं, ऋण यहाँ रखते हैं, तो इस पे बल लगेगा, ये प्रतिकर्षित होगा, ये ऐसे होगा, इस पे घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा, या इस स्थिति में रखा हुआ मान लो आप, है ना, इधर हमारा धनावेश, इधर ऋणावेश, ये धन और ये ऋण, तो ये धन इसको प्रतिकर्षित, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये दोनों घूम जाएंगे, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्या उत्पन्न हुआ है, द्विध्रुव आगुण उत्पन्न हुआ है, मतलब घूम गया वो, तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आगुण उत्पन्न हुआ है, है ना। अब उस द्विध्रुव आगुण का मान कितना होगा, उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है, कितना होगा मतलब उसका सूत्र, चलो तो अभी हमने यहाँ आगुण का कारक का सूत्र पढ़ा था, ये आगुण का सूत्र पढ़ा, आगुण किसके बराबर है, कारक और गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, है ना, ये सूत्र यहाँ लिख दिया, ओके। अब यहाँ जो आगुण, किसका आगुण है, किसके कारण लग रहा है, क्यू आवेश। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो चलो हम इसको एक इस तरह से भी समझते हैं ना, तो यहाँ आवेश पे बल लगा, अगर आवेश नहीं होता तो क्या आगुण उत्पन्न होता, नहीं होता, है ना। अगर यहाँ मान लो तो इस पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या विद्युत क्षेत्र इन पे बल लगाता, नहीं लगाता, आवेश आया है इस पे, आवेश ठीक है बढ़ा दिया हमने, इस पे आवेश कम कर दिया, आगुण उत्पन्न हो जाएगा, ओके ना। चलिए अब तो यहाँ पर कारक कौन है, कारक कौन है, यहाँ किसके कारण आगुण उत्पन्न हुआ है, क्यों, आवेश के कारण, तो आवेश के कारण आगुण उत्पन्न हुआ है, है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सब सूत्र क्या बनेगा, आवेश और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बनेगा ना, तो यही सूत्र के आधार पे, ठीक है। ऋण के ऊपर देखो आप, ये ऋण के ऊपर आगुण, ऋण के ऊपर आगुण कितना हुआ, आवेश का परिमाण कितना है, क्यू, घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, 2a, a है ये वाली, ये इसके सापेक्ष घूमेगा ना वो, है ना, घूर्णन अक्ष हमारा ये है, ऐसा इसके सापेक्ष हमारा द्विध्रुव घूमेगा इस तरह से, तो ये अक्ष हो गया, तो अक्ष से दूरी कितनी हो गई, a, है ना, तो एक आगुण किस पे लग रहा है, माइनस पे लग रहा है, और एक आगुण किस पे लग रहा है, प्लस पर, तो दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे वस्तु आगुण को,
ये भी उसको दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त में घुमा रहा है, ये भी दक्षिणावर्त, तो दोनों आघूर्ण जुड़ जाएंगे, है ना। तो Q into A पहले वाले का, फिर इसका Q into A, है ना, आवेश का परिमाण कितना है Q, तो फिर यहां पर कितना हो गया 2Q into A, जुड़ गया वो, जुड़ गया ना ये। अब इसको ऐसा लिख दो Q into 2A, तो 2A क्या बन गई, उनके बीच की दूरी बन गई, किनके बीच की दूरी, ये वाली, है ना। तो हमारे पास गणितीय सूत्र भी आ गया, किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का गणितीय सूत्र क्या बना, आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, है ना, तो ये उसका गणितीय सूत्र, ठीक है। वास्तव में जो इसको आप एक और करेंगे, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण शब्द सुन के आप कंफ्यूज नहीं होना, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या ही है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला घूर्णन प्रभाव, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला घूर्णन प्रभाव, द्विध्रुव में उत्पन्न होने वाला, है ना। चलिए, तो ये उसका एक सूत्र, या आप उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे बल के आधार पर आप बताओ, अभी हमने यहाँ आवेश के आधार पर बताया, बल के आधार पर, ठीक है, ठीक है, हमने एक द्विध्रुव लिया, है ना, द्विध्रुव लिया, इस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो कितना लगाता है, QE, है ना, इस पे बल इधर लगेगा, ऋण आवेश पे, और इस पे बल इधर लगेगा, ये QE, है ना, ये QE और ये QE, आया, कहां से आया ये बल का सूत्र, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है, बल बटे आवेश, परीक्षण आवेश, तो इसी सूत्र से बल का सूत्र क्या बन गया, Q into E। तो यहां पर मतलब विद्युत क्षेत्र आवेश पे जो बल लगाएगा उसका सूत्र होता है Q into E, तो ये हो गया Q into E, है ना, ऋण, ये ऋण इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये धन ऋण इसको आकर्षित करेगा, ओके। तो ये इस पर बल हुआ, है ना, F1 बोल दो इसको, ये F2 बोल दो, ओके। अब हमने टॉर्क पढ़ा है ना, यहां पर जो या आघूर्ण पढ़ा है, बल युग्म आघूर्ण हमने पढ़ा, मतलब बल युग्म आघूर्ण अगर हम निकाले इस पे, तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एक बल, है ना, और बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, है ना, शॉर्ट में लिखा मैंने, बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल युग्म आघूर्ण, है ना, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण लगेगा, दो बल लगेंगे उसपे, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये दोनों बल मिलकर इसको घुमाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, उस पर क्या उत्पन्न हुआ है, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, उसका सूत्र क्या है, तो एक बल, दोनों में से कोई एक बल ले लो QE, है ना, और बलों के बीच की दूरी ले लो, तो ये हमने डायपोल लिया है, इनके बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं हम, 2A से, तो ये हो गया 2A। अब हमें तो जो यहाँ पर द्विध्रुव की विशेषता देखनी है, तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र को एकांक मान लेते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ले हम, एकांक, तो Q, है ना, E, Q, E की वैल्यू हो गई 1, ये बचा 2A। तो वास्तव में जो बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई नई राशि नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ही है, लेकिन कब, जब हम उसे कौन से विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एकांक तीव्रता वाले, अगर हम किसी द्विध्रुव को, ध्यान रखें, किसी द्विध्रुव को कहां रखते हैं, किसी द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो एकांक विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वही बल आघूर्ण हमारा क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ओके। तो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कोई नई राशि नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या ही है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ही है, जो, और कौन से विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक तीव्रता वाले, है ना। तो दोनों तरीके से हमने उसका सूत्र निकाल लिया, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा
इसी गणितीय सूत्र के आधार पर हम बना देते हैं गणितीय परिभाषा उसकी दे देते, तो क्या हो जाएगा है ना, किसी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है ना, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसके एक आवेश, उसके एक आवेश तथा है ना, ये एक आवेश है दोनों में से, एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य की, आवेशों के तो वे क्या है यहाँ पे, आवेशों के मध्य की दूरी है ना, ये आवेशों के मध्य की दूरी को जो हम उसकी द्विध्रुव लंबाई भी लिखते हैं है ना, द्विध्रुव लंबाई भी लिखते हैं या उसकी प्रभावी दूरी भी लिखते हैं हम, तो आवेशों के मध्य की दूरी है ना, दूसरे नाम भी याद रखोगे आप है ना, प्रभावी दूरी या द्विध्रुव की प्रभावी दूरी, ठीक है, आवेशों के मध्य एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है, और इसे किससे दर्शाते हैं, सदिश P से दर्शाते हैं, ये एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी अभी हम लिखते हैं, तो इसका सूत्र क्या बन गया यहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण का शॉर्ट में द्विध्रुव आघूर्ण ही लिखते हैं, हम उसको द्विध्रुव आघूर्ण ना लिखते थे, ठीक है, तो क्या सूत्र, आवेश, ठीक है, एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के मध्य की प्रभावी दूरी, ठीक है, मध्य की प्रभावी दूरी लिख दो, या क्या लिख सकते हैं क्या उसको, दूरी है ना, दूरी दूरी की लंबाई, ओके, चिन्हों में दर्शा दे, तो P हो गया हमारे पास Q इंटू टू ए आ गया, ठीक है, सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं तो सदिश रूप में हो जाएगा P बराबर Q इंटू टू ए है ना, जहाँ टू ए क्या है, टू ए जो दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन है ना, और इसकी दिशा क्या होगी, यह एक सदिश राशि है ना, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा है ना, सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश है, अभी क्यों हमने ऐसी दिशा ली है वो अभी बताते हैं, है ना, ऋण आवेश से धन आवेश की और होती है, ठीक है, चलिए ना, ये हो गया, और मतलब ये ध्यान रखना ये ऋण आवेश है ना, ये प्लस की आवेश होगी, जो पी है पी की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू की ओर, क्यों होगी उसका रीजन समझना है ना, ये दिशा हमने क्यों ली है ना, अब ये तो क्यों हमने क्या पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कितना होता है, ये उसका गणितीय समीकरण के आधार पर हमने परिभाषा दी, ओके, उसकी दिशा हमने दे दी, अब इसका जो यहाँ पर भौतिकी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझे ना, मतलब वास्तव में द्विध्रुव आघूर्ण से हम क्या समझते हैं उसको हम समझे भौतिक अर्थ उसका, चलो तो यहाँ देखिए हमको, हमने पढ़ा है एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश बोलो प्लस क्यू या ऐसे, इससे आ दूरी पर किसी बिंदु पी पर, ठीक है, ये बिंदु ओ बोल देते हैं, बिंदु ओ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, हमने निकाला भी है बिंदु आवेश के कारण,
है ना। अब उसी स्थान पर हम ऋण आवेश को रख देते हैं, मतलब हम उसका भौतिक अर्थ समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल होता है विद्युत क्षेत्र में, है ना। तो ये माइनस क्यू आवेश लिया, उससे आर दूरी पर किसी बिंदु ओ पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला। अलग अलग केस ही है ना, पहले हमने उसी जगह माइनस क्यू आवेश को देखकर निकाला तो ओ पर हमें विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, है ना। अब हमने उसी स्थान पे माइनस क्यू आवेश रखा तो हमें यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, उसकी दिशा माइनस क्यू आवेश के कारण होगी, ओके ना। इतना हम जानते हैं, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। मतलब एक धनावेश लो तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा किसी बिंदु पर, ऋण आवेश लो तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा किसी बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ मान लो जो कि ये दोनों धनावेश बिल्कुल है ना, ये केस खत्म हो गया। इससे आप ध्यान रखना, अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस किया कि धनावेश ऋणावेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, एक धनावेश लिया, ठीक है ये, और उसी के साथ में उसी के स्थान में बिल्कुल पास पास में है ना, उनके बीच में कोई दूरी नहीं रखी, तो दोनों के कारण हमने एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला बिंदु O पर, ओके। तो बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना। तो पहले देखो, धन वाला भी वहां अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस दिशा में, है ना, ऐसे दोनों के मान बराबर है, ये भी धन क्यू है और ये ऋण क्यू, दोनों मान बराबर है, ठीक है, दोनों आवेश के मान बराबर है, एक धन है और एक ऋण है। बस ऋण वाला अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा वहां पे, उसकी दिशा ऐसी होगी, दूरी दोनों की समान है वहां से, है ना, दोनों की दूरी आर है, ओके। तो अब यहां पर क्या होगा, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ने विद्युत क्षेत्र बनाया और दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है, है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, है ना। क्यों ऐसा जीरो हुआ, क्योंकि हम ये दोनों जो आवेश रखे थे बिल्कुल समान दूरी पे थे, समान मतलब बिल्कुल एक दूसरे के समीप रखे थे, उनके बीच में कोई गैप नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, इनके बीच में अंतर नहीं था, ठीक है ना, है ना, ये वाला केस। तो यहां पर आवेशों के बीच की दूरी कितनी, या आवेशों के बीच का विस्थापन बोल दो, है ना, धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल कैसे रखे हुए थे, है ना, वो ऐसे रखे हुए थे बिल्कुल, कैसे रखे, बिल्कुल पास में ऐसा दिखाया हमने, तो उनके बीच की दूरी कितनी, विस्थापन कितना उनके बीच का, जीरो, है ना, दूरी जीरो, विस्थापन जीरो, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, जीरो रहेगा ना, उनके बीच में कोई आघूर्ण नहीं होगा, दोनों बिल्कुल समान जगह पे रखे मान लो, तो विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जीरो। क्या ध्यान में आया हमको, कि धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल एक ही जगह पर रखे हैं, उनके बीच में है ना कोई दूरी नहीं है, मतलब वो द्विध्रुव ही नहीं है, है कि नहीं, जब उनके बीच में गैप ही नहीं है तो वो द्विध्रुव ही नहीं है, तो द्विध्रुव ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो। क्या समझ में आया हमको, द्विध्रुव नहीं है वो, तो इधर क्या नहीं बना पाएगा, विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, विद्युत क्षेत्र, इस बात पे फोकस करना, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो कौन नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब मान लो जो हम इन दोनों को कहां रख देते हैं, मान लो हमने इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ठीक है, ठीक, यहां पर विद्युत क्षेत्र है, चलो ऐसे, ओके ना। अब हमने इनको विद्युत क्षेत्र में रखा, ठीक है, चलो रख के दिखा रहे थे, ये धन को, इन दोनों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया, मतलब जो पहले ये ऐसे आवेश रखे थे, तो यहां पर क्या होगा, इधन, है ना, विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो इनके बीच में क्या घटना होगी, ये दोनों क्या प्रभाव दिखाएंगे, है ना। तो हमको यहाँ क्या दिखेगा, तो कि पहले ऋण और धन में कोई गैप नहीं था, बिल्कुल संपाती थे ये, अब क्या हो जाएगा कि धन पर लगेगा प्रतिकर्ष, है ना, जैसे मान लो ये उनका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये इसको मैं वाई से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर
ये दोनों के हमने बीच का एक बिंदु ले लिया, ओके। अब धन पर लगेगा प्रतिकर्षण और ऋण पर लगेगा आकर्षण, ठीक है। तो धन इधर चला गया, मान लीजिए उनके बीच का बिंदु वो था जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है, ये वाला बिंदु मैंने यहाँ पर भी वही बिंदु दिखाया है ना। अब धन पे लगा प्रतिकर्षण तो धन इधर विस्थापित हो गया, ठीक है। और इधर विस्थापित हुआ वो ऋण से धन की ओर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, ये ऐसी चीज है ना, इसको मैं थोड़ा दूर बना देता हूं, ओके। चलो तो अब धन पे लगा प्रतिकर्षण वो विस्थापित हुआ, तो आप क्या बोल दोगे, जो किधर विस्थापित हुआ, तो आपको ये ऋण इधर दिख रहा है ना, ऋण यहां रखा हुआ है, मान लो ऋण, ऋण पर क्या लगेगा, आकर्षण है ना, तो ऋण भी इधर आ जाएगा। पहले दोनों कहां पे थे, ये जो पिंक वाला है बिंदु ओ पर थे, ओके ठीक। अब दोनों को विद्युत क्षेत्र में रखा हमने, दोनों में विस्थापन उत्पन्न हो गया है ना, ये मूल बिंदु से ओ से ये इधर चला गया, मान लो कितनी दूरी पे चला गया, ए पर है ना, तो ये वाला भी कितनी दूरी पर आएगा, आनंद समझ में, ये कितनी दूरी पर आ गया इधर ए पर, ठीक है, ये ए पर, ये भी कितनी दूरी पे खिसक जाएगा। चलिए मैं उसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ थे यहाँ पर, ठीक है, धन इधर आ गया खिसक के और ऋण यहाँ आ गया, दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, विस्थापन, ठीक है। मान लो ये उनका पहला मूल बिंदु ओ यहाँ था, ये वाला बिंदु, इससे धन इधर चला गया, ऋण इधर आ गया, कितनी दूरी पे आएगा ये, मान लो ये ए पर आया, तो ये भी कितने पर ही आएगा, ए पर, है ना, दोनों ए पर ही आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पर बराबर आवेश बोला हमने, ये बड़ा धन क्यों और ये ऋण क्यों, दोनों पे आवेश बराबर, तो दोनों पे आकर्षण प्रतिकर्षण बल भी बराबर है, क्योंकि एक ही विद्युत क्षेत्र में रखे हैं वो, है ना, तो विद्युत क्षेत्र में, एक ही विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो दोनों के आवेश के मान भी बराबर है, विद्युत क्षेत्र भी एक ही है, दोनों पे बल भी बराबर, तो दोनों बराबर विस्थापित हो गए, है ना, कितनी दूरी पे विस्थापित हो गए वो, 2a दूरी पर, है ना, 2a दूरी, इसलिए हमने यहाँ समीकरण में तो दूरी कितनी ली थी, मतलब दूरी ध्रुव को दर्शाने के लिए। अब समझना है यहाँ पे कितनी दूरी आ गई इनके बीच में, धन और ऋण के बीच में, ओके। अब ये क्या बन गया, आप इसको देखो, पहले यहां थे, ऐसे थे ये आवेश, तो हम क्या बोल रहे थे कि इनके बीच में विस्थापन नहीं है, दूरी ध्रुव नहीं है, ये दूरी ध्रुव भी नहीं है, दूरी ध्रुव भी नहीं है। अब ये क्या बन गया, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा, ये धन इधर, ये ऋण इधर, ठीक है, दोनों में विस्थापन हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं विस्थापन किधर हुआ, तो आप क्या बोलोगे, या तो ऋण के सापेक्ष विस्थापन बता दोगे, या किसके सापेक्ष बता दोगे, धन के। अगर ऋण के सापेक्ष बता रहे हो, ऋण के सापेक्ष विस्थापन बता रहे हो, तो धन किधर गया है, धन आवेश किधर गया है, ऋण से धन की ओर विस्थापन किधर हुआ है, विस्थापन किधर हुआ, ऋण से धन की ओर, इधर हुआ ना विस्थापन, ओके। या अगर धन के सापेक्ष बता रहे हो तो क्या करोगे, विस्थापन धन से ऋण की ओर हुआ है, तो क्या दोनों गलत हुए, डायरेक्शन आप विस्थापन की किधर से भी बता सकते हो, ठीक है, आप विस्थापन है ना, धन से ऋण के सापेक्ष भी, ऋण से धन के सापेक्ष, आप किसी एक को क्या ले रहे हो, है ना, रिफरेंस ले रहे हो, माइनस को ले रहे हो, तो धन किधर गया है, ऋण से दूर गया है, तो विस्थापन किधर हुआ है, ऋण से धन की ओर, ओके। और धन का रिफरेंस ले रहे हो तो विस्थापन क्या बोलोगे आप, ऋण से धन की ओर हुआ है ना, ये बोलोगे। तो इसलिए हमने यहां पर द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण, अब ये हो गया दिशा देखना, किसकी दिशा, विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ, 2a, इसकी दिशा क्या बोल दी हमने, ऋण आवेश से धन आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, है ना, ये दिशा ले गई, आया समझ में, ठीक है, मतलब किसकी दिशा बताई हमने, 2a, 2a क्या है, विस्थापन, विस्थापन की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश,
तो ये यहाँ 2A क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन की दिशा किधर हुई, ऋण आवेश से धन आवेश, इसलिए हमने यहाँ ऋण आवेश से धन आवेश लिया। अब ये यहां तक बात हो गई ओके, कि दिशा हमने ऋण आवेश से धन आवेश क्यों ली, ये उसका रीजन मैंने आपको बताया ओके। अब चलिए हमें जो देखना था अभी यहां पर विस्थापन को बात हटा दिया है ना। अब जैसे ही हमने यहां पर इनको क्या रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख दिया, अब ये विद्युत क्षेत्र को भी हटा दो अब यहां से, ये क्या बन गया, अब यहां पर ये ऋण आवेश इधर आ गया, ये धन आवेश इधर आ गया ओके। तो इनके बीच में ये द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, ये क्या बन गया, बच्चों द्विध्रुव बन गया है ना, ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया ना, कि ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में थोड़ा सा अंतर आ गया, दूरी आ गई उनके बीच में, तो ये द्विध्रुव बन गया, ऐसा मैं लिख देता हूं। अब द्विध्रुव बन गया तो द्विध्रुव आघूर्ण भी उनमें रहेगा, अगर आप इसको कहीं पे विद्युत क्षेत्र में रख दो तो ये घूमने लगेगी ओके। ये चलो ठीक है यहां पर, और दूसरे तरीके से समझते हैं, ये धन आवेश ऐसा था है ना, ये ऋण आवेश यहां ओके। अब हमने इनको कौन सी स्थिति में कहा कि ये धन आवेश यहां आ गया, ये ऋण आवेश यहां आ गया ओके। तो कैसे आया होगा, धन पर इधर बल लगा, ऋण पर इधर लगा है ना, यहां पे धन पर इधर ऋण पर इधर, तो ये धन और ऋण के बल ने, धन और ऋण पर जो बल लग रहा है उस बल ने इनको क्या कर दिया, घुमा दिया ना, धन को कहां ला दिया घुमाकर यहां, ऋण को कहां ला दिया यहां ओके। तो वास्तव में हुआ क्या, यहां पर वो दोनों घूम गए, घूम गए, उनके बीच में क्या उत्पन्न हुआ, आघूर्ण उत्पन्न हुआ है ना, ये इधर आ गया ये इधर आ गया ठीक है। तो ये घूम गए इधर, तो हम क्या कहेंगे कि इस यहां पर क्या उत्पन्न हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, कहोगे ना कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, हो गया समझ में, ये माइनस और प्लस ऐसे आ गए, एक पे प्रतिकर्षण लगा एक पे आकर्षण, तो ये घूम गए ठीक है, दोनों पास पास में रखे थे मान लो। अब इसका विद्युत क्षेत्र निकालो बच्चा, क्या ये दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर पाएंगे, है ना, पहले हमने क्या देखा था, जब वो ऐसे रखे थे ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र कितना था, द्विध्रुव नहीं था, वो विस्थापन भी जीरो था, द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना था, जीरो, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो था, परिणामी विद्युत क्षेत्र भी कितना था, जीरो। अब यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हुआ है। अब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं है ना, क्या हुआ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है ना, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, चिन्ह में लिख दिया मैंने उसको है ना। अब विद्युत क्षेत्र निकालो, मान लो यहाँ बिंदु P है, बिंदु O है, तो बिंदु O पर अब विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, है ना, पहले वाले केस में हमने बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र निकाला कितना था, जीरो। अब जब ये द्विध्रुव बन गया है तो यहां विद्युत क्षेत्र निकाल के बताओ सर, तो ये माइनस क्यों आवेश, ये प्लस क्यों आवेश है ना, इसका विद्युत, इसकी दूरी यहां पर ये बिंदु O से दूरी ये है, इसकी दूरी ये है, अब दोनों के विद्युत क्षेत्र बराबर नहीं होंगे, पहले यहां दोनों बराबर और विपरीत दिशा में थे, तो क्या हो गया था, दोनों ने एक दूसरे को निष्फल कर दिया था, विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया था, या वो द्विध्रुव नहीं था, अब वो द्विध्रुव बन गया, तो द्विध्रुव बन गया तो किसी बिंदु O से, किसी बिंदु से उनके आवेशों की दूरी समान नहीं रहेगी है ना। तो इस स्थिति में जो ये वाली स्थिति में हम बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र, धन आवेश का विद्युत क्षेत्र और ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र, ये दोनों समान दिशा में नहीं होंगे, और सॉरी समान दिशा में तो नहीं होंगे, लेकिन परिमाण भी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर है ना ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है
आया ओके। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब हुआ, जब इधर क्या उत्पन्न हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। क्या बोला मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ तो क्या भी उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये हमने उदाहरण देखा ना, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, नहीं है। विद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो है, है ना। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण है क्योंकि आवेश परस्पर कुछ दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो घूम सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो क्या उत्पन्न कर देंगे, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे। तो क्या समझ में आया हमको, ठीक है, जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, ये जितनी दूरी पर जाएगी विस्थापन जितना हो जाएगा, उतना द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा, उतना क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ क्या समझ में आया कि हमको, द्विध्रुव आघूर्ण है तो ही कौन है, विद्युत क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ नोट मिटो, क्या डालोगे आप, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की माप बताता है, आंतरिक या बाह्य विद्युत क्षेत्र की माप बताता है, ठीक है, ऐसा है ना, ये ध्यान रखो। ये उसका भौतिक अर्थ है कि यार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हमको क्या समझ में आता है, ये क्या बताता है, इसकी क्या जरूरत है। तो विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो, ठीक है ना, क्या बताता है हमें, विद्युत क्षेत्र की माप बताता है, किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की माप, या पदार्थ जिस क्षेत्र में रखा है उसकी माप, दोनों की माप बताता है ना, ठीक है। जैसे मान लो जो यहाँ पर हमने एक द्विध्रुव को रखा है ना, एक द्विध्रुव को रखा है, ऐसे माइनस ये, ठीक है, ये प्लस क्यू माइनस, ये हमारा द्विध्रुव है, ठीक है। और अब हम इसको विद्युत क्षेत्र ई में रख रहे हैं, है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ वन मान लो, ओके, कोई भी उसकी मात्रा वन न्यूटन प्रति कूलम, तो इस पे आघूर्ण लगेगा, है ना, मान लो ये पी वन है कि नहीं। अब हम इसको, इसी द्विध्रुव को कहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इसी द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र, दूसरे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जो बड़ा है विद्युत क्षेत्र, पहले की तुलना में इसका मान ज्यादा है, तो यहाँ जो द्विध्रुव होगा वो भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इस बार आवेशों पे लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि बल किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है, तो इस पे जो बल है और इस पे जो बल है, इन दोनों के मान बढ़ जाएंगे पहले वाले की तुलना में, है ना, इसकी तुलना में। तो यहाँ पर बल बढ़ गया, आघूर्ण बढ़ जाएगा, तो पी टू अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर जो पी टू अधिक हो रहा है, क्यों, क्योंकि ई वन विद्युत क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जितना, विद्युत क्षेत्र भी उतना ही रहेगा। इसलिए हमने कहा कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की भी माप बताता है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया। अब अंत कहा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहा, तो जैसे जो हमने कहा, हमको हमने इससे पहले एक बार डिस्कस की थी कि हम विद्युत क्षेत्र में किसको रख देते हैं, हम विद्युत क्षेत्र में एक पदार्थ को रख देते हैं, तो पदार्थ में क्या होंगे, आणविक द्विध्रुव होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इसमें आणविक द्विध्रुव है, मतलब धन ऋण आवेश ऐसे में, ओके, ऐसे, तो वो आणविक द्विध्रुव कैसे भी संरेखित होंगे, किधर किधर भी संरेखित होंगे। अब ये विद्युत क्षेत्र के कारण उन पर बल लगेगा, है ना, जैसे मान लो इसमें कितने, ठीक है, ये ऐसे द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव को हमने ऐसे देखा है ना, धन और ऋण आवेश दिखा है। अब हमने विद्युत क्षेत्र में रखा इसको, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र में हम जैसे रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन पे बल लगेगा, अब ये संरेखित होने लगेगी, है ना, ये धनावेश इधर आ जाएगा, ठीक है, धनावेश ऐसा,
मान लो तीन अणु घूम गए, सिर्फ तीन ही घूमे ना, ज्यादा नहीं बोलते अभी हम, बाकी सब ऐसी के वैसी जैसे पड़े जैसे थे वैसी के वैसी सब है, ठीक है, अणु जैसे थे वैसे ही है ना, बाकी तीन संरेखित हो गए। अब ये तीनों के कारण ये तीन, ये छोटा सा द्विध्रुव है, ये इधर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र बनाएगा ना, उसमें दो आवेश है धन और ऋण, तो ये इधर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा धन से ऋण, ये एक छोटा विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ओके। तो हमको क्या दिखा यहाँ पे, पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसकी ये जो द्विध्रुव थे, ये द्विध्रुव इनमें आगुण उत्पन्न हुआ, आगुण उत्पन्न हुआ वो घूम गए, घूम गए तो उसके अंदर क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। तो पदार्थ के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किसके कारण ही होता है, द्विध्रुव आगुण के कारण, समझ में आया, ये उसका भौतिक अर्थ है, जो मतलब द्विध्रुव आगुण से परिभाषा तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इसका फिजिक्स में क्या रोल है, विद्युत क्षेत्र में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी तो हमको समझ में आना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा द्विध्रुव आगुण होगा, अभी कितने अणुओं में हुआ, तीन में, तीन अणुओं में आगुण उत्पन्न हुआ, तीन ने विद्युत क्षेत्र बनाए, ओके। अब मान लो ये वाले भी हो जाते, ये भी घूम जाते, है ना, ये भी घूम जाता ऐसा, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, ये भी विद्युत क्षेत्र बना देता, ये वाला भी विद्युत क्षेत्र बनाता, ये भी विद्युत क्षेत्र, सबके सब विद्युत क्षेत्र बनाते, तो फिर विद्युत क्षेत्र की मात्रा और बढ़ जाती, पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की मात्रा और बढ़ गई, मतलब उसके अंदर द्विध्रुव आगुण जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उतना ही उत्पन्न होगा। तो आई बात समझ में, द्विध्रुव आगुण जितना अधिक, विद्युत क्षेत्र उतना अधिक। तो द्विध्रुव आगुण किसकी माप बताता है, विद्युत क्षेत्र की माप बताता है, चाहे वो बाह्य विद्युत क्षेत्र हो या चाहे आंतरिक विद्युत क्षेत्र हो, ओके। चलिए, तो ये उसका भौतिक अर्थ हुआ कि द्विध्रुव क्या होता है, तो द्विध्रुव जो है ना, चलो फिर हम उसके वो देख लेते हैं, मात्रक है ना, यहाँ पर हुआ मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, ऐसा ही मात्रक, तो उसके सूत्र से निकल जाएगा क्या है ऐसा ही मात्रक, यहाँ पर क्यू क्यू इस सॉरी सूत्र क्या है, क्यू इंटू टू ए, तो यहाँ पर यहाँ पर Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम है ना, और 2A का मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये हो गया मात्रक ऐसा ही पद्धति में, है ना। और फिर सीसीएस पद्धति में सीसीएस मात्रक, स्थित विद्युत मात्रक की बात कर रहे हैं ना, स्थित विद्युत मात्रक क्या हो जाएगा उसका, कूलम को हम क्या लिखते हैं, स्थिर कूलम है ना, स्थिर कूलम इनटू सेंटीमीटर, ओके, ये सीसीएस मात्रक हो गया, है ना। और इसका जो अन्य मात्रक होता है, जो है ना, ऐसा ही मात्रक नहीं, अन्य मात्रक, इसका एक मात्रक बहुत होता है डी बाय, ठीक है, डी बाय, ओके। ये जनरली प्रैक्टिस हम इसको ही ज्यादा उपयोग में लाते हैं, डी वाई, ये वो, तो यहाँ एक डी वाई मतलब कितना, ठीक है, एक डी वाई मतलब 10 की घात माइनस 18 स्थिर कूलम इनटू सेंटीमीटर, ये उसका दोनों में संबंध है ना, ये उसका मात्रक हुआ डी वाई, और डी वाई किसके बराबर है, 10 की घात माइनस 18 स्थिर कूलम इंटू सेंटीमीटर की, और ये ऐसा ही वाले में 10 की घात माइनस 23 कूलम इंटू मीटर आता है, ओके। तो ये था जो हमारे पास है ना, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या क्या समझा हमने, एक बार पूरा समराइज कर ले, विद्युत द्विध्रुव मतलब किसी निकाय में दो बराबर और विजाती आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं, है ना। द्विध्रुव को हम ग्राफिक रूप से ऐसे दर्शाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, और दूरी को हम 2a से दर्शा के चलेंगे, है ना, कहीं पर 2l होगा, 2a होगा, ये इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की
प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई भी बोल सकते हो या प्रभावी दूरी भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए अब उदाहरण ये हो गए। फिर द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, पहले भौतिक अर्थ क्या होगा कि अगर द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उस पर जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र ये होता है क्यू इंटू टू ए, है ना। या क्यू मतलब क्या, आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और आवेश के बीच की, आवेशों के मध्य की प्रभावी दूरी या आवेशों के बीच की द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, ऐसा भी लिखते हैं ना, ध्यान रखना प्रभावकारी लंबाई भी लिखा जा सकता है। फिर इसको पी से दर्शाते हैं, है ना, सूत्र हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, पी से दर्शाते हैं जिसकी दिशा क्या होगी, सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी ऋण से धन की ओर, है ना। ये ध्यान रखिए, आगे हम सिर्फ सूत्र उपयोग करेंगे पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, जहाँ पी की दिशा कैसी होगी, ऋण से धन की ओर। ये ध्यान में रख ले, दिमाग में बिठा ले, पी की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ऋण से धन की ओर। और विद्युत द्विध्रुव क्यों आवश्यक है, तो किसी पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो वो किसके कारण ही होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही उत्पन्न होगा। मतलब एक पदार्थ के अंदर अगर जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र में हमने किसी कांच को, लकड़ी को, कांच को, माइका को या किसी वस्तु को रख दिया, तो उसके अंदर विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, जब उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण करने लगेगी, द्विध्रुव में आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, परिणामी आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तब अंदर जाकर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बिना विद्युत क्षेत्र, है ना, की गणना या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये उसका इम्पोर्टेंट है ना, और उसके मात्रक भी सारे। ओके चलिए नोट कीजिए।